आइए आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बिहार एलआरसी एवं डीएलआरएस से रिजल्ट से संबंधित दो से तीन बातें। आपके रिजल्ट में डिले क्यों है, पहला चीज। दूसरी चीज कि वे कैंडिडेट जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराए हैं, जिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फाइनल रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं दो तीन बातें बताऊंगा कि आखिरकार ये रिजल्ट में इतना विलंब क्यों हो रहा है। तो आइए हम आपको बता दें कि अभी जो कानून को और स्पेशल कानून को का जो वैकेंसी थी क्लर्क और कानून गौर का, तो उनके जो कॉलेज अप्रूवल का वो था, वो काफी उसमें अपलोड हो रहा था, जिसकी वजह से इतना डिले हो रहा है रिजल्ट को लेकर के, खास करके अमीन कानून को और क्लर्क के रिजल्ट की बात के बता दूं। तो कुछ लोगों का जो है अप्रूवल नहीं ले पा रहा है, तो जिनसे वो रिलेटेड हो रहा है उनके मेल पर भी मैसेज आ रहे हैं। आप कमेंट सेक्शन में ये कमेंट करिए कि आपके मेल पे कोई वैसा डीएलआरएस ने मैसेज किया कि नहीं किया। तो और बता दें कि आपका रिजल्ट अब फाइनली तरीके से सब कुछ सबमिट हो रहा है और कुछ और अपडेट आएगा तो मैं बता दूंगा। दूसरी चीज की कॉलेज अप्रूवल के बाद जो है आपका जो है डीवी पूरे तरह से अपलोड हो गया है। और हम बता दें कि वेर कैंडिडेट जिनका रैंक लगभग 12,000 के आसपास है, उनका रिजल्ट हो सकता है आपका फाइनल रिजल्ट में मेरिट लिस्ट में नाम न हो, तो आप अपना वेटिंग लिस्ट में मेरिट लिस्ट में नाम नहीं, तो उससे घबराए नहीं। हो सकता है आपका नाम भी आए और नहीं भी आए फाइनल रिजल्ट में, क्योंकि सीट आप देख सकते हैं 8000 प्लस था, 8,086-87 जितना था उससे प्लस था, और आपका रैंक जो है 12,000 के क्रॉस है। तो आपका यदि फाइनल रिजल्ट में नाम ना आए तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जो भी समस्या है आप हमारे कमेंट सेक्शन के नीचे आप अपने रैंक को शो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और इस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा। तो वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करें, यदि चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने अन्य मित्रों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।